दोस्तों, किंग खान और राजा मौली की अगली फिल्म को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शाहरुख खान को लेकर साउथ के सबसे बड़े डायरेक्टर एसएस राजामौली एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म बनाएंगे जिसकी स्क्रिप्ट राजामौली के पिता लिख रहे हैं। फिलहाल उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, उसके बाद वो शाहरुख खान के साथ अपनी फिल्म बनाएंगे। वही दोस्तों, शाहरुख की कंपनी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे, अब सिर्फ शाहरुख एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं। खबरों की माने तो तीन बड़ी फिल्में शाहरुख करेंगे जिनको वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इसके अलावा तीन बड़ी फिल्म शाहरुख खान के हाथ लगी है जिनका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों, शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा। उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोड़ का बिजनेस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुआत सिद्धार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत राजकुमार हिरानी की डंकी के साथ किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए साल का जश्न मनाने और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए किंग खान ने लंदन में एक छोटा सा ब्रेक लिया था और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में तीन फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन एसआरके किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट